जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है DEF। DEF का मतलब होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड और ये है टाटा मोटर्स का, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहीं पे अब आपको दूसरे जो दो कैंस दिखा रहे हैं ये हैं एड ब्लू, और ये प्रॉब्लम ये भी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो एड ब्लू है, एड ब्लू डलता है SML की गाड़ियों में, स्वराज माजदा लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और जो SML की गाड़ियों में डलता है एड ब्लू, और टाटा मोटर्स का जो DEF है, या जिसको देसी भाषा में यूरिया कहते हैं और डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड उसका पूरा नाम है, वो इन्होंने डाल दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी में क्या हुआ था कि उसकी 20 किलोमीटर्स पर आर के ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो अब हमने क्या किया है, इस जो यहाँ पर ये DEF डालने का जो टैंक होता है उसको खोला है एलन की मदद से, और उसके खोलने के बाद पूरा का पूरा जो DEF है उसको निकाला है। और अब हम निकालने के बाद अब हम दूसरा जो एड ब्लू है ये AUS 32 ग्रेड का फॉर एफिशिएंट SCR ऑपरेशन, उसको हमने खोलकर अब हम इसको रिप्लेस किया है और अब हम इसको डाल रहे हैं। डालने का तरीका थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली कुछ जगह चीज़ नहीं थी, तो हमने ये एक जुगाड़ बनाया दो बॉटल्स को जोड़कर, और फिर हम इसको डाल रहे हैं इसमें। इसको वापस से सेट कर रहे हैं, और ये जो चीज़ है जो SCR, जैसे आप उसमें देख रहे थे, SCR का मतलब होता है सिलेक्टिव कैटलेटिक रिडक्शन। ये हमारे जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है ये शब्दावली। अब हम आते हैं इसके, ये देखिए OBD, ये स्टेयरिंग व्हील के नीचे की जगह है ड्राइवर सीट के पास में, यहाँ पर ये हम निकालेंगे OBD स्कैनर लगाएंगे, जिसको डिजिट स्कैन भी बोलते हैं, टेक टूल भी बोलते हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन OBD का मतलब ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक होता है। और ये ECU जो इंजन कंट्रोल यूनिट या ECM कहते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इसको वर्क करने के लिए होता है। और ये है डिजी स्कैन SML का, जाएंगे और यहाँ पर इंजन पे ये इस जो डीजल है तो प्रॉब्लम डीजल जो आ रही थी उसको व्हीकल रीजनरेट करने के लिए टेस्ट ये किए, तो काम करेंगे। सारे कोड देखने हैं, रीड DTC में जाएंगे, इतने सारे फॉल्ट कोड इसमें शो हो रहे हैं, इसको क्लियर करेंगे, सारे फॉल्ट कोड क्लियर हैं, ACS क्लियर, रीड DTC फिर से चेक करेंगे, क्रीप मोड एक्टिव है, ये कोड दो नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। 10-6000, इंजन 10-6 रिक्वायर क्रीप आफ्टर रीस्टार्ट। गेट देख लो, ये दो को नहीं जा रहा है अभी 10-63 नहीं जा रहा है, पहले देख तो देव है क्या नहीं है। दो कोड है, क्रीप मोड एक्टिव, इंजन रिक्वायर्ड क्रीप आफ्टर रीस्टार्ट, इसको क्लियर करते हैं, DTC are cleared successfully from ECU if required, do ignition of on or drive the vehicle and recheck DTC again. अभी नहीं हो रहा है ना। जब सारे फॉल्ट कोड्स जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, तो हम गाड़ी को लेकर एक दूर एरिया में लेके जाते हैं, एक शांत एरिया में। जब भी जनरेशन हो रहा हो तो गाड़ी में कोई ना क्लच ना ब्रेक ना एक्सीलेटर ना कोई लॉक कुछ दबाना नहीं है,
एक्सीलरेटर लेनी रह क्या? नहीं नहीं, क्लच चेक करते कहीं दबा तो नहीं है क्लच। अच्छा, रिजर्वेशन करने में ये प्रिकॉशन जो है ध्यान में रखना है कि जब रिजर्वेशन हो रहा हो गाड़ी, जब तक रेस में हो, कोई बटन, कोई जो है ना ब्रेक, ना एक्सीलेटर, ना क्लच, ना गियर, ना ऑपरेशन, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गाड़ी को रिजर्वेशन होने देना। ठीक है, हैंड ब्रेक लगो, हैंड ब्रेक लगा रखना, हैंड ब्रेक से कोई दिक्कत नहीं। डोजिंग वॉल स्प्रे कर रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम डीपीएफ में जाके डिजिटेक द्वारा ये चेक करेंगे कि ये स्प्रे कर रहा है या नहीं। ये डोजिंग वॉल देख लीजिए आप लोग, ये लगा हुआ है जिसमें दो पाइप हैं, एक वायर है, एक ऊपर से वायर लगा है। ये डोजिंग वॉल डेल्टा प्रेशर सेंसर है। रीजनरेशन हो रहा है? नहीं, रीजनरेशन नहीं। ये चेक करते हैं कि वो डोजिंग वाल स्प्रे हो रहा है। एक मिनट पकड़िएगा इसे, मैं भी चेक कर दूँ। टेस्टिंग इन प्रोग्रेस, टेस्ट इन प्रोग्रेस। और लाइव डाटा नहीं, रीड टीडीसी में गए, कोई एरर नॉट प्रेजेंट शो हो रहा है। अब इस सारा फॉल्ट कोड जो है क्लियर हो चुका है। थंब दिखा दो, ऐसे थंब दिखाते हैं ना, कोई कोड नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब वो रीड मत दिखाइएगा, सीधे रीजनरेशन दिखाइएगा। एक्चुएटर में जाएंगे। ठीक है, फंक्शनल में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सर्विस रीजनरेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमारी गाड़ी की रीजनरेशन ऑन है। ठीक है, इसकी रीजनरेशन जब होगा तो कोई भी डिजिटेक का कोई भी बटन का यूज नहीं करेगा, ना गाड़ी में कोई ब्रेक पैडल क्लच कुछ नहीं दबाना है, सिर्फ ऐसे वेट करना है। ये वाली लाइट जलती है, ग्रीन लाइट जलेगी, रीजनरेशन एक्टिव लिख के आएगा मीटर पे।